ये गहलोत जी और केंद्रीय दोनों जाने का, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। आपके ये गहलोत जी चूंकि केंद्र ने ये पास किया है, कानून बन जाने के पश्चात तो राज्य की जिम्मेदारी होती है, संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन इसके बारे में सरकारें, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार वार्ता करके उसका समाधान निकाल सकती है। मैं समझता हूं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, एकदम स्वायत्तता नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान एकात्मक है, संविधान राज्यों का नहीं होता है, संविधान केंद्र का ही होता है। उस संविधान के द्वारा निर्देशित जितने भी कार्य हैं वो तो केंद्र सरकार करती है, प्रदेश सरकार करती है। प्रदेश सरकार को कोई कठिनाई दिक्कत है, केंद्र सरकार से वार्ता करके उसका समाधान निकाल सकती है। नहीं, आपने दो दिन पहले ही बोला इस बारे में कि भाई इसमें कोई बवाल नहीं होना चाहिए। हाँ, आप चाहते हैं बवाल हो, बवाल कोई नहीं चाहेगा, ना हमारे पत्रकार मित्र हो, क्या शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन किसी को आग लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती, किसी को राष्ट्रीय क्षति करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, चाहे कोई भी हो। और अभी मूल कर्तव्य में मैं आपको बताऊं, मैं तो आजकल विश्वविद्यालयों में संविधान का प्रियम्बल और फंडामेंटल ड्यूटीज इसको मैं बकायदे पढ़वाता हूं, और इसमें भी है, पहले पृष्ठ पर प्रियम्बल है और अंतिम पृष्ठ पर मूल कर्तव्य है, साफ साफ दिया है, जो भी राष्ट्रीय क्षति करता है वो संविधान के विरुद्ध है, ये ठीक नहीं है। तो प्रदर्शन करो, आप किसी चीज का विरोध करना है कौन रोकता है, करो ना, लेकिन लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। मेरा सवाल यह है सर कि कांग्रेस शासित प्रदेशों ने इसका विरोध किया, राजस्थान में मैं राज्यपाल को क्या बोलना है मैं जानता हूं, मुझे जो बोलना था वही बोला मैं, वही बोला मैं, इससे ज्यादा नहीं। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि कानून का विरोध करना है, भाई आप जब संसद में हार गए तो दुर्भाग्यजनक है ना, ये कदाचित मिशन तोड़ लो, कदाचित किसी ने तोड़ लिया, लेकिन कानून बन गया तो कानून बनने के बाद उसके अनुरूप किसी को कठिनाई है तो सरकार को, तो केंद्र सरकार से वार्ता करें, और विरोध करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से किसी पार्टी को विरोध करना है, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करो ना, लोकतंत्र के आधार, लेकिन विरोध के माध्यम से बसों को जलाओ, विरोध के माध्यम लोगों का घर फूंक दो, विरोध के माध्यम पत्थरबाजी करते हुए लोगों को ध्वस्त करो। राज्य सरकार स्वयं रेवेन्यू जनरेट करने की सकता है, उसके बारे में विचार कर सकती है, ये एक सारे पद्धतियां हैं, उसमें बैठकर विचार किया जा सकता है, लेकिन उसमें राज्यपाल ये नहीं कहेगा कि हाँ तुम ऐसा करते हो, ऐसा नहीं, हम सुझाव दे सकते हैं, वार्ता कर सकते हैं, और राज्य सरकार बात करती है तो क्या चीज की जा सकती है, इसके लिए सुझावात्मक सारा स्वरूप हो सकता है, इतना किया जा सकता है, ऐसे लोगों के मन के अंदर स्पष्टता निर्माण करते हुए उनका कल्याण किया जा सकता है, ये प्रयास। सर एक ये नाम मेरा नाम मनीष है, मैं इंडिया टीवी से हूँ। सर ये कैब को लेकर ही मैं दोबारा एक सवाल ये करना चाहता हूँ, चूंकि ये बिल सातवीं अधिसूची में आता है, गैर भाजपा प्रदेश शासित जितने भी राज्य हैं वहाँ इस बिल को लागू करने के लिए विरोध हो रहा है, अगर ये बिल लागू नहीं किया जाता है तो चूंकि संविधान से रिलेटेड मामला है लिहाजा राज्यपाल का हस्तक्षेप जरूरी है। अगर हुआ ना, अगर तैयार नहीं, अगर एक काल्पनिक शब्द है, अगर एक काल्पनिक शब्द है, और इसलिए इस पर टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं, और इसलिए मैंने आपसे पहले ही बताया कि राज्य सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, ये दोनों मिलकर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अब केंद्र सरकार क्या करती है, राज्य सरकार को क्या करती है, ये उनके ऊपर निर्भर करता है, फिर राज्य सरकार अपना क्या फैसला लेती है इसके ऊपर निर्भर करता है, बात की जैसी स्थिति बनती है तो उस पर वार्ता की जा सकती है। क्या नाम बताया, देखिए जिस मुख्यमंत्री ने कहा है वो भी संवैधानिक पद को सुशोभित कर रही है, अब उन्होंने कहा है
संवैधानिक पद को जो सुशोभित करता है, इस तरह की बात करने का कोई औचित्य नहीं दिखता है उस पर, चूंकि बोलने के लिए बहुत, लेकिन हम उस पर क्या बोले, उचित नहीं है। लेकिन उनको, हर व्यक्ति को अपने अधिकार के आधार पर हमें किस तरह की भाषा का प्रयोग करना, अगर उसको मर्यादित तौर पर किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत से, उन्हें आपने कहा कि तमाम विश्वविद्यालयों को अपने एक ही कानून लागू हो, इसके लेकर अम्ब्रेला एक्ट के लिए आपने सरकार को लिखा है, सरकार की तरफ से? हाँ, सरकार सकारात्मक है, सरकार सकारात्मक है, अब वो देख रहे बात की जाएगी, लेकिन सरकार की सोच सकारात्मक है। यस दी ट्रिब्यून, राजस्थान सरकार ने दो इंपॉर्टेंट बिल पास किए थे, एक तो लिंचिंग के ऊपर एंटी लिंचिंग से, दूसरा किया था एंटी ऑनरिंग किलिंग के लिए, एंटी ऑनर किलिंग पर दो बिल पास किए थे और वो केंद्र को भेजे थे, तो राज्य सरकार ये कहती है ये आए नहीं है, क्या स्थिति है इस बारे में? भाई हमारे पास तो नहीं आई, पिछले में आपके आने से पहले चले गए। हाँ तो भेजे हैं तो केंद्र सरकार वो लोग सोचेंगे, आपने परसों करने करेंगे, हमें हमें कही वो तो सरकार को परसों करनी बात है। मेरे दो सवाल है जी, एक तो ये है कि जो विश्वविद्यालय हैं उनके अंदर न्यूज सेंस आजकल बहुत ज़्यादा पैदा हो गई, जैसे इलेक्शन होते हैं, नियम बने हैं, उसके बावजूद भी पूरे शहर को पोस्टर लगा दिए जाते हैं, वॉल पेंटिंग कर दी जाती है। दूसरा, आए दिन कि बच्चे जो है बदमाशी करते हैं, कारों की शीशे तोड़ देते हैं, यूनिवर्सिटी के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्या कोई ऐसी सब्जेक्ट या कोई ऐसा कोई कानून आप लेके आ रहे हो, या कोई ऐसा, जैसे आपने अभी संविधान पढ़ाने की बात की है, क्या कोई अच्छे नागरिक पैदा करने के लिए कोई नया? देखिए ऐसा है, हमने आग्रह किया है कि विश्वविद्यालय के अंदर अनुशासन विद्यमान रहे, छात्रों के अंदर भी और शिक्षकों के अंदर भी। अनुशासन के लिए पारदर्शिता जरूरी है,